डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10A के जो थर्ड से आगे सम है उनको कंटिन्यू करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो मैंने पार्ट वन बनाया था उसमें हमने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन को स्टडी किया था और कुछ हमने बेसिक्स पढ़े थे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अमाउंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उस बेसिक को हम थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करके फिर हम कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है PRT/100। अब ये क्या है, P क्या है, R क्या है, T क्या है? P होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है जितने पैसे का लेन देन किया गया है। मान लीजिए हम एग्जांपल के साथ चलते हैं, 100 रुपए का लेन देन किया गया है, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल, मूलधन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। आर होता है रेट, किस हिसाब से उसके ऊपर ब्याज लगेगा। रेट हमेशा परसेंट में होती है, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, जितने भी परसेंट जो है, जितनी ज्यादा रेट होगी उतना ही ज्यादा ब्याज उस पे लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है टाइम, टाइम है कितने समय के लिए वो पैसे जो है वो दिए गए हैं या लिए गए हैं, ठीक है। और 100 हमें पता ही है, 100 होता है। तो ये जो फॉर्मूला है उसका यूज करके हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें इस फॉर्मूले में 4 चीजें देखने को मिल रही हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो जब भी कोई फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसमें क्या किया जाता है, कोई भी हमें इसमें 3 चीजें हमें गिवन होंगी, कोई भी 3 जो है इसमें से गिवन होंगे और चौथा हमें निकालने के लिए कहा जाएगा। अब जैसे अगर पी आर टी गिवन है तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, अगर सिंपल इंटरेस्ट पी और आर गिवन है तो टाइम निकाल दो, या फिर टाइम गिवन है तो प्रिंसिपल निकाल दो। इस तरह से हमें इस फॉर्मूले में कोई 3 गिवन होंगे और चौथा हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद एक होता है अमाउंट, अमाउंट होता है जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपए किसी को दिए तो 15 रुपए उस पर ब्याज लग गया, तो वो हमें टोटल वापस कितने करेगा, 115। तो ये जो होता है लास्ट अमाउंट, टोटल पेबल अमाउंट, जितना टोटल अमाउंट पे किया जाएगा लास्ट में उसको बोला जाता है अमाउंट। और अमाउंट जो है वो किसके बराबर होता है, जितना हमारा प्रिंसिपल था, जितने पैसे का लेन देन किया गया, प्लस जितना उसके ऊपर ब्याज लगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, अकेला अगर आप इंटरेस्ट बोलो तब भी गलत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है जो आने वाली क्लासों में हमें पढ़ने को मिलेगा, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा अमाउंट। तो इन फॉर्मूलेस का हमने यूज करना है, इन दोनों का। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। 4th सम है हमारा, इसमें है फाइंड द इंटरेस्ट रेट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 चीजें हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है और रेट भी फाइंड आउट करनी है। तो मतलब हमारे पास इन फॉर्मूलों में से हमें कोई यूज करना है, वो कैसे यूज करना है वो यहां देखते हैं। अब गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें प्रिंसिपल और अमाउंट। अब यहां पर देखें, इस फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, अमाउंट, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें से हमें प्रिंसिपल भी गिवन है और अमाउंट भी गिवन है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसके साथ प्रिंसिपल प्लस में है, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस में। तो नया फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखो हमने इसी फॉर्मूले से नया फॉर्मूला बनाया, इसको हम सही करके लिखते हैं एक बार, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये हमारा नया फॉर्मूला जो यूज होगा क्वेश्चन नंबर 4th में, ठीक है। क्या निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट। और फिर जब हमें रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। अब मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे ये यूज होगा। इसमें जो है प्रिंसिपल हमारा है 20,000 और अमाउंट है 21,800। तो हम इस फॉर्मूले में पुट अप करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट है 21,800 माइनस प्रिंसिपल है हमारा 20,000, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं माइनस, तो माइनस करने पे कितना बच जाएगा, 1800। तो ये तो आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें इस फॉर्मूले में देखना है कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, टाइम भी गिवन है 2 इयर्स, तो हमें आर निकालना है। तो देखा आपने ना कि 3 चीजें हमें गिवन है, चौथी चीज निकालने के लिए कहा गया। अब जिसको निकालने के लिए कहा गया उसी का फॉर्मूला हम बना देते हैं। कैसे बना दोगे फॉर्मूला, यहां पे था सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी, अब इस तरफ तो सिंपल इंटरेस्ट को ही रखना है आपने,
इधर जो है वो आर है, आर के साथ जो जो भी है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, जो तो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो जाएंगे नीचे डिवाइड में, ठीक है, और जो नीचे डिवाइड में है वो जाएगा ऊपर। अब इधर पी था और पी आर के साथ टी था, तो इनको हम लेके जाएंगे नीचे, पी और टी को, और जो 100 नीचे था इसको हम लेके जाएंगे ऊपर। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, आर का। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अब हम यहां पे क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा था हमने निकाला 1800, तो इसको पुट अप करेंगे 1800, फिर मल्टीप्लाई 100 फॉर्मूला है हमारा, फिर पी प्रिंसिपल कितना है 20,000, तो इसको हम रखेंगे नीचे, और मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो यहां पे रखेंगे 2, और ये किसकी वैल्यू आ रही है, रेट की, और ये हमेशा परसेंट में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। 20 से 20 कैंसिल करेंगे, इन 20 से इन 20 को कैंसिल करेंगे, फिर 2 की टेबल में 2 9 18, अब ये आ गया 9/2, ठीक है, अब आगे कैंसिल तो नहीं ना होता, तो 9/2 हम लिख सकते हैं, और रेट हमेशा परसेंट में लिखी जाती, इतना भी आप लिख सकते हो, और अगर आपको पॉइंट में चेंज करना आता है तो 9/2 होता है 4.5%, दैट इज 4.5%, तो ये हमारी आ गई रेट। तो देखा आपने, इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है। अब यही दो फॉर्मूले जो है क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में भी आपको यूज करने हैं, तो चलिए करके देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे सेकंड जो है हमारा बिल्कुल सेम है, देखो इयर्स में ही टाइम है, सेम आपने यही प्रोसीजर यूज करना है। इसका आंसर अगर आप निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इसका आएगा 4 के B का 825, कितना आएगा 825, और अगर आप इसकी रेट निकालोगे रेट आएगी इसकी 5.5, ठीक है 5.5%। इसको आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट डेज वाला है, अलग है थोड़ा, इसको मैं करके दिखाता हूं आपको। अब इसमें जो है 146 दिन है, 146 डेज, तो हमारा टाइम जो है इस फॉर्मूले में आपको इयर्स में ही रखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डेज है तो डेज को ईयर में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, 146 जो है इसके डिवाइड में आप क्या कर देंगे, इसके डिवाइड में आप कर देंगे 365, क्योंकि वन ईयर में कितने डेज होते हैं 365, तो ये हमारा टाइम की वैल्यू जो है हमें यूज करनी है, ठीक है, ये हमारी टाइम की वैल्यू आ चुकी है, इसका हमें यूज करना है अपने फॉर्मूले में जब हम इसको यूज करेंगे। अब फर्स्ट जो हमारा काम होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का, तो वो क्या है फॉर्मूला, अभी अभी हमने बनाया था, अमाउंट 641.25 माइनस 625, तो इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16.25 रुपीज, तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हम इसको सिंपल इंटरेस्ट को इस फॉर्मूले में यूज करते हैं, तो कैसे होगा, 1625 × 100, इसका पॉइंट है ना यहाँ पे, तो पॉइंट हम हटा देते हैं, नीचे 100 आ जाएगा। अब फॉर्मूले में नीचे पी और टी है, पी प्रिंसिपल वो कितना है 625, और टी टाइम जो है वो हमने ये फाइंड आउट किया। अब देखो आपको इसके नीचे लिखना था 146/365, 146 इसके डिवाइड में 365, और ये पहले से ही डिवाइड में, तो डिवाइड का डिवाइड जो होता है वो चला जाता है ऊपर, तो 365 को ऊपर आपने लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये इसके डिवाइड वाले के डिवाइड में था तो ये ऊपर चला जाएगा। अब हमें कैंसिल आउट करना है, 100 से 100 कैंसिल, फिर आपको क्या करना है, 5 की टेबल आती होगी, 5 की टेबल पे करते हैं, तो ये आ जाएगा 5 1 5 5 2 10 5 5 25, और इसको कर देते हैं 5 की टेबल में, 5 7 35 5 3 15, ये आ गया। अब आप देखें ये आपस में मैच कर रहा है, 3 2 6 होता है, और 73 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 146 ही आता है, तो 73 की टेबल में 2 पे हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब 125 और इसको आपने कैंसिल करना है, तो आप 5 पे भी कर सकते हो, इसको नीचे 25 आ जाएगा, इसको 5 पे करते हैं, 5 3 15 5 2 10 5 5 25, अगर आपको 25 की टेबल आती है आप कैंसिल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 25 की टेबल पे 13 आ जाएगा, अगर नहीं आती है तो 5 पे भी कर सकते हैं आप, 5 पे करो इसको पहले, फिर दोबारा 5 पे हो जाएगा, तो आप इसको अगर कैंसिल करते हैं तो यहां आ जाएगा 13, ठीक है, तो हमारा ऊपर वालों में से क्या बचा है, सिर्फ 13, और नीचे वालों में से 2, तो आर जो है रेट जो है वो कितनी आ गई है 13/2%। अब ये तो आगे फ्रैक्शन में, अगर आप पॉइंट में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 12 6.5% रेट, ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट में हमें फाइंड आउट करना है टाइम, तो फॉर्मूला वही पहले लिखते हैं, हम फॉर्मूला बनाते हैं अपना, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट पी
आर टी डिवाइड बाय 100। अब हम क्या करेंगे, टाइम निकालना है तो टाइम को छोड़ के बाकी सबको ट्रांसफर करेंगे दूसरी तरफ। तो यह हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय पी और आर, सॉरी आर पहले लिख दिया, पी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा टाइम फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें हम इन वैल्यूज को रखेंगे और हमारा आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3500 है प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट है 700, तो हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे 700 इंटू 100 डिवाइड बाय पी प्रिंसिपल 3500 इंटू आर रेट, रेट है 5%, लेकिन यहां पे परसेंट को नहीं लिखा जाता है, 5 ही लिखा जाता है। तो हम इसको कैंसिल करते हैं, 20 से 20, 7 वन जा 7, 7 5 जा 35, 5 की टेबल पे इसको करते हैं, 5 2 जा 10 20, 5 4 जा 20। तो हमारा टाइम कितना आ गया, 4 इयर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको यूज करना है फॉर्मूले को। आगे कोई एक और करके दिखा देते हैं, जैसे पॉइंट वाला करते हैं हम, इसमें फॉर्मूला सेम ही रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 31.25, तो हम यहां लिखेंगे 31.25 इंटू 100, ये तो फॉर्मूले वाला 100, और ये पॉइंट के बाद दो वर्ड्स हैं, तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा इसके। और नीचे दो चीजें और हैं, प्रिंसिपल भी है, तो प्रिंसिपल कितना है इसका 500, तो इसको हम यहां पे लिखेंगे। और रेट जो है वो 12.5 है, तो 12.5 जो है, अगर इसका पॉइंट हटाओगे आप, इसको हटाओगे पॉइंट को, तो नीचे कितना आएगा 10। अब यहां पे 125 बटे में 10 आना चाहिए, तो डिवाइड के डिवाइड वाला कहां चला जाता है, ऊपर। तो इसका जो पॉइंट हटाया हमने वो कहां चला गया, 10 ऊपर। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है फिफ्थ के सी पार्ट को। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 0 से 0 100 कैंसिल कर दिया, फिर 10 की एक 0 से 500 की एक 0 को हमने कैंसिल कर दिया। अब हम 5 की टेबल का यूज कर सकते हैं, 25 की टेबल का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको आती है तो इसको हम कैंसिल करते हैं, 5 10 जा 50, ठीक है। 5 की टेबल में 5 6 जा 30, 1 बच जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। अब फिर से आप 5 की टेबल का भी यूज कर सकते हैं, 5 2 जा 10, और यहां पे 5 1 जा 5, फिर यहां पे 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, फिर यहां पे 5 5 जा 25, 125 से 125 कैंसिल, तो कितना आ गया 1/2 years, ठीक है, 1/2 years। तो इस तरह से आपको इन फॉर्मूलों का यूज करना है। सेकेंड को अगर आप करके देखेंगे, सेम इसी मेथड से आपको करना है, तो इसका आंसर जो है आपको फिफ्थ के बी का आंसर आपको मिलेगा 5/2, कितना मिलेगा 5/2। फिर आप इसको फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, 2 1/2, ढाई साल, ठीक है। अगर आप इसके डी पार्ट को करते हो तो डी वाले का आंसर आपको कितना मिलेगा, फिफ्थ के डी का 3/5 years, ठीक है। तो इनको आपने सॉल्व करके देख लेना है, फॉर्मूला यही यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले हम स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं क्या है। सुसन डिपॉजिटेड 8000 इन ए बैंक एट द रेट ऑफ  12% पर एन। तो हमें यहां से दो चीजें तो यहीं से बचल गई, प्रिंसिपल जिस पैसे का लेन देन हुआ है वो है 8000, तो आपने पूरा लिखना है, मैं पी से नोट करता हूं इसको, प्रिंसिपल है 8000 रुपीज। फिर इसी लाइन में हमें रेट का भी पता चल गया है, रेट जो है वो है 12% पर एनम। फिर शी विड्रू, उसने निकाल लिए पैसे जो है वो 9 महीने बाद निकाल लिए। अब यहां पे टाइम भी हमें गिवन है 9 मंथ, लेकिन हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाय 100, इसमें टाइम जो है वो इयर्स में होना चाहिए। तो 9 मंथ है, एक पूरे साल में मंथ कितने होते हैं 12, तो इसको अगर हमें 9 मंथ को इयर्स में चेंज करना है तो 12 से डिवाइड करें। तो आपने दो चीजें याद रखनी है, अगर तो मंथ को ईयर में चेंज करना है तो 12 से, क्योंकि 12 मंथ होते हैं। अगर डेज को ईयर्स में चेंज करना है तो 365 से डिवाइड करना है आपने, क्योंकि उतने दिन होते हैं एक साल में। अब जो है यहां पर हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले का, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, व्हाट इज द इंटरेस्ट शी गॉट, कितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो हम ब्याज निकाल देते हैं उसका, पी प्रिंसिपल है 8000,
आर है रेट 12%, टाइम है 9 और डिवाइड में 12, और नीचे 100 फॉर्मूले वाला वो भी हमें यूज करना है। 20 से 20 कैंसिल करेंगे, 12 से 12, 80 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 8 9 जा 72 और एक साथ में 0, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 720 रुपए। ठीक है, अब हमें अमाउंट निकालना है क्योंकि लिखा हुआ ना व्हाट वाज द अमाउंट शी कलेक्टेड फ्रॉम द बैंक, कितना अमाउंट मिला। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, अमाउंट जो है वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल, जितना पैसे का लेन देन हुआ वो तो उसको मिलेंगे ही, साथ में उसका ब्याज उसके साथ जुड़ गया, तो टोटल कितना मिला उसको, जो उसका प्रिंसिपल 8000 था वो तो मिलेगा ही, साथ में उसको 720 ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 8720 रुपीज। ठीक है, इफ बोरोड अमाउंट ऑफ 4000 रुपीज अमाउंट टू 5400 इन 5 years, इस लाइन का क्या मतलब है, मतलब उधार लिया गया पैसा जो है वो 4000 है, तो जिसका लेन देन हुआ वो 4000, मतलब प्रिंसिपल जो है वो कितना है 4000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद अमाउंट टू मतलब वो अमाउंट बन जाता है, जो अमाउंट लास्ट में पे किया गया 5 साल के बाद वो है 5400 रुपीज, और टाइम जो है वो है 5 years। ठीक है, यहां पे रुपीज भी लिखना है आपने इनके आगे सेम यहां पे। अब ये जो अमाउंट पे किया गया तो हमें क्या करना है कि हाउ मच विल रुपीज 5600 अमाउंट टू इन 3 years एट सेम रेट, तो हमसे पूछा गया कि अगर प्रिंसिपल इतना हो तो वो 3 साल के बाद कितना अमाउंट बन जाएगा टोटल सेम रेट पे। अब रेट हमें पता नहीं है, तो रेट हम निकालेंगे फर्स्ट लाइन से, रेट निकालने के बाद फिर ये प्रिंसिपल, ये टाइम और रेट का यूज करके सिंपल इंटरेस्ट और फिर अमाउंट निकाल देंगे। अब यहां पर जो है हमें पहला काम करना है रेट निकालने का, रेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है हमारा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट हमें चाहिए, यहां पे है अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, अमाउंट का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट है 5400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 4000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस स्टेटमेंट से अगर आप ध्यान दें 5400 4000, 4000 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 5400 माइनस 4000 दैट इज 1400। ठीक है, तो हम यहां पर इसका यूज करेंगे 1400 इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल कितना है 4000, आर हमें निकालना है, टाइम जो है वो 5 years डिवाइड बाय 100। अब जो कैंसिल होता है यहीं पे कर दो 20 से 20, अब ऊपर जो बचा है उसको इधर लेके जाएंगे डिवाइड में, तो यहां से जो हमारी स्टेटमेंट बनेगी आर को हम सेम रखेंगे, इधर है 1400, 40 ऊपर है ये आएगा नीचे, 5 भी ऊपर है ये भी आ जाएगा नीचे, 10 से 10 कैंसिल, 4 की टेबल में इसको कैंसिल करते हैं, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो आज जो है रेट हमारी आ चुकी है 7%। अब हम सेकंड लाइन पे आते हैं, सेकंड लाइन थी हमारी हाउ मच विल 5600 अमाउंट टू इन 3 years एट सेम रेट, तो हम जो है यहां पर करते हैं इसको, अब की बार सेकंड स्टेटमेंट के लिए प्रिंसिपल जो है अब हमें लेना है 5600 रुपीज, और टाइम जो है वो लेना है 3 years, और रेट हमारी होगी 7%। तो हम जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं जल्दी से, तो ये आ जाएगा 5600 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, इन तीनों की करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा ये आ जाएगा 1176। इसके बाद ये तो हमारा है सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, जितना हमारा प्रिंसिपल था 5600 प्लस 1176, तो ये बन जाएगा 6776 रुपीज। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ए डिपॉजिट ऑफ 3650 रुपीज, तो प्रिंसिपल हमारा है 3650
रुपीज। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसका इंटरेस्ट निकालना है, रेट जो है वो 10% है, सॉरी रेट इज इक्वल टू 10%। तो टाइम हमारा कितना है, देखो टाइम डायरेक्टली हमें गिवन नहीं है, ये गिवन है कि 3 जनवरी से लेके 17 मार्च तक, और 2016 है तो ये लीप ईयर होता है, तो फरवरी जो होगा उसके 28 डेज बनेंगे। अब जनवरी में होते हैं 31 डेज, ठीक है, और 3 जनवरी से स्टार्ट करना है तो 31 में से 3 हम माइनस कर देते हैं, तो जनवरी के भी 28 डेज लेने हैं। फिर मार्च के जो होंगे, मार्च के देखो कहां तक लेने हैं, 17, तो 17 दिन हो गए मार्च के, तो टोटल कितने डेज हो गए, 28 और 17, 73। तो अब यहां पर हमारा टाइम जो है वो है 73 डेज, जबकि हमें पता है कि हमारे फॉर्मूले में हम डेज में टाइम को नहीं लेते हैं, ईयर्स में लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था ईयर्स में चेंज करने के लिए डेज को डिवाइड करेंगे आप 365 से, किसे, 365 से। अब हम जो है इसका यूज करते हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, तो हम यहां लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाय 100। तो इसका यूज करते हैं, पी हमारा है 3650 इंटू आर है 10, फिर हम यहां लिखेंगे टाइम 73 डिवाइड बाय 365 और फॉर्मूले वाला 100। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो 0 से 0 कैंसिल और एक 0 यहां पे कैंसिल करेंगे, 365 से 365, तो हमारा आंसर आ गया 73 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 73 रुपीज, इतना ब्याज उस पर लगेगा। नेक्स्ट है, संजू बोरो ए सम ऑफ मनी फ्रॉम सिमरन एट 8%। तो 8% पे, 8% क्या हो जाएगा, रेट, परसेंट से हमें पहचान लेना है, इट इज अ रेट, तो रेट हमारा है 8%। फिर हमें बताया गया कि जो कुछ पैसे जो हैं वो उधार लिए गए हैं 8% पे आफ्टर 4 years, तो टाइम हमें बचल चुका है 4 years। संजू हैड टू गिव सिमरन 9900। अब ये जो है टोटल अमाउंट हमें बता दिया गया, इतना उसको वापस करना है, तो ये हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट हो जाएगा 9900 रुपीज। टू क्लियर द डेब्ट, व्हाट वाज द अमाउंट संजू बोरोड ओरिजिनली, तो शुरू में उसने कितना उधार लिया था, तो जो उधार का लेन देन होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, तो ये हमें पता नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स। अब हमें दो फॉर्मूले यूज करने हैं यहां पे, एक तो हमारा अमाउंट वाला, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट का पी आर टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हम ये यूज करते हैं क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमें चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, अमाउंट प्लस का पी जो है इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे यहां पे फॉर्मूला हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस पी। ठीक है, तो अमाउंट जो है वो है हमारा 9900 माइनस पी की वैल्यू हमने लेट कर ली एक्स, तो जहां पे सिंपल इंटरेस्ट होगा वहां पे हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की जगह हमें रखना है 9900 माइनस एक्स इज इक्वल टू पी, पी कितना मान रखा है हमने एक्स, इंटू आर 8 इंटू टी टाइम सॉरी 4। ठीक है, फिर डिवाइड बाय है 100। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये डिवाइड में है, इसको हम लेके जाते हैं दूसरी तरफ, इसको कैंसिल भी कर सकते थे हम यहां 4 की टेबल में या 2 की टेबल में, लेकिन करना नहीं है, 100 की मल्टीप्लिकेशन आसान होती है, इसको आप डायरेक्ट इधर लेके जाएंगे, इधर ये डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहां पे कुछ इस तरह से आएगा 100 मल्टीप्लाई, दो वर्ड्स हो तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया जाता है, 9900 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 4 32 और साथ में एक्स। अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 9900 पहले से था, 20 और आ गई, तो ये माइनस, जब बाहर हो कोई ब्रैकेट के तो अंदर सबके साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन की जाती है, तो एक्स के साथ करेंगे तो 100x माइनस का आ जाएगा इज इक्वल टू 32x। अब एक्स वाली दो स्टेटमेंट है, दोनों इक्वल से अलग अलग है, तो हम एक ही तरफ इसको करेंगे शिफ्ट, तो यह आ जाएगा 9900 था, अब 40 हो चुकी है, माइनस का 100x को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में, तो यह आ जाएगा 32x प्लस 100x। अब ये टोटल कितने x हो गए, 132, तो यह आ जाएगा 9900 इज इक्वल टू 132x।
अब x के साथ अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो जो भी इसके साथ होता है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है हमें, ये है इसके साथ मल्टीप्लाई में, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इसको इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में, तो कुछ इस तरह से बनेगी स्टेटमेंट, डिवाइड बाय 132। इसको आप जो है कैंसिल कर सकते हैं 11 की टेबल पे, 11 की टेबल पे कैंसिल करते हैं तो 11 वन जा 11, यहां से 2 बचेंगे 22, 11 टू जा 22, और 11 की टेबल में इसको करते हैं तो 11 9 जा 99 और ये 0 चारों एज इट इज यहां पर आ जाएंगे। फिर आप इसको 12 की टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं, 12 7 जा 84, यहां से 6 बचेगा 60, 12 5 जा 60 और 2 0 एज इट इज, तो x की वैल्यू जो है वो हमारी आ चुकी है 7500 रुपीज। तो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था, हमने इसी को लेट किया था x, तो हमारा लास्ट में आंसर भी हम इसी टर्म में देंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 7500 रुपीज। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, राजेंद्र लेंट ए सम ऑफ 3200 टू सुरेश, मतलब इसने सुरेश को 3200 रुपीज दिए हैं और किस रेट पे दिए हैं, 6% रेट, तो जो पैसे का लेन देन हुआ है वो है 3200 जो कि हमारा प्रिंसिपल है, तो इसको हम लिखेंगे 3200 रुपीज और रेट जो है वो कितनी है, 6% रेट पे गिवन है। फिर हमसे पूछा गया कि सुरेश ने पे कर दिए राजेंद्र को, लेकिन कितना पे किया, 3680 टू क्लियर द डेब्ट, मतलब सारा उसने हिसाब किताब साफ कर दिया इतने पैसे देकर, तो ये जो है वो हमारा ब्याज नहीं है, ये अमाउंट है, तो अमाउंट हमारा कितना गिवन, 3680 रुपीज। ठीक है, फिर हमें करना क्या है, हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए जो है ये पैसे का लेन देन हुआ था, तो टाइम हमें निकाल के दिखाना है कितना है, तो फॉर्मूला जो है वो तो हमारा है सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो कहीं गिवन नहीं है, तो वो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इन दोनों का यूज करके। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमने किसी को 100 रुपए दिए, उसने हमें वापस 115 रुपए दिए, तो उसने एक्स्ट्रा कितने दिए, तो हम जितना टोटल हमें वापस मिला है उसमें से जितने हमने दिए थे वो माइनस कर देंगे, तो इतने जो है वो ब्याज के रूप में हमें मिले हैं। तो यही काम हमें यहां करना है, अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 480 रुपीज। ठीक है, इतना जो है वो ब्याज था, तो अब हम उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब यहां पर सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है 480 इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल 3200, आर रेट कितना है 6, टाइम हमें फाइंड आउट करना है, टी ही रखना है उसको, डिवाइड बाय 100, 00 से 00 कैंसिल, अब इधर जो ऊपर है टी के साथ उसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे नीचे जाएगा वो, तो 480 डिवाइड बाय 32 आ जाएगा नीचे और 6 आ जाएगा। अब आप जो है इसको 6 की टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं, 68 जा 48, 0 एज इट इज। अब अगर आपको 16 की टेबल आती है, 6 टू जा 32, 16 टू जा 32, 16 5 जा 80, तो 5/2 जो है इयर्स में हमारा टाइम आ चुका है। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 साल या फिर 2.5 इयर्स। नेक्स्ट है, अलोक पेड 6720 टू क्लियर द डेब्ट ऑफ 6000, मतलब फिर से हमें अमाउंट गिवन है 6720 रुपीज और साथ में प्रिंसिपल भी गिवन है कि जितने पैसे थे उसके वो थे 6000 रुपए। फिर हमें बताया गया कि 1 साल 6 महीने बाद उसने ये कर्ज उतार दिया, 1 साल 6 महीने के बाद, तो टाइम जो है वो 1 ईयर है, साथ में 6 मंथ है, तो सारा टाइम हमारा जो है इयर्स में ही होना चाहिए। और ये मैंने आपको सिखाया था कि अगर मंथ में हो टाइम, उसको इयर्स में चेंज करना है तो डिवाइड बाय हम करते हैं 12 से उसको डिवाइड करते हैं, तो 6 बन जा 6 6 टू जा 12, तो ये बन जाएगा अब इयर्स में। ठीक है, तो 1 ईयर ये है प्लस हाफ ईयर ये हो गया, इसको प्लस कर देंगे आप, तो एलसीएम लेके प्लस करोगे तो 2
प्लस वन, तो ये हो जाएगा 3/2 years, तो टाइम आपका रहेगा 3/2 years। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट हमें निकाल के दिखाना है। तो इसको निकालते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से, इसमें वैल्यूज रखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देना हमें, तो यह जगह 6720 माइनस करेंगे 6000 को, तो 720 ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पे लिखेंगे हम 720 इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल कितना है 6000, आर रेट हमें निकालना है, टाइम कितना है 3/2, और नीचे फॉर्मूले वाला 100, 20 से 20 कैंसिल, 2 की टेबल में इसको कैंसिल कर दो, 30 आ जाएगा। अब 30 और 3 आर के साथ ऊपर है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 20 से 20 और 2 की टेबल में इसको 60 को कैंसिल करते हैं तो 30। अब आर जो है रेट हमें फाइंड आउट करना है, इसके साथ 30 और 3 ये जो है मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो नीचे जाएंगे, 720 ऊपर आएगा, 30 भी इसके नीचे और 3 भी इसके नीचे। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 की टेबल में कैंसिल करते हैं तो 3 4 12 और 3 की टेबल में 8 पे 3 8 24, तो रेट हमारी आ जाएगी 8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, इसमें हमें जो स्टेटमेंट में गिवन है वो है ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अमाउंट्स टू 4400 इन 2 years। ध्यान से समझना है कि कुछ अमाउंट है मनी का, वो हमें पता नहीं कितने पैसे का लेन देन हुआ है, ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल नहीं पता है कितना है, ₹4400, तो मतलब क्या कि वो पैसे जो है 2 साल के बाद कितने हो जाते हैं ₹4400, और अगर 3 साल के बाद वापस किए जाए तो 4600, मतलब 2 साल के बाद 4400 और तीसरे साल के बाद 4600, तो मतलब बीच में 1 साल का गैप है ना, 2 और 3 साल, तो 1 साल के गैप में कितना ब्याज बढ़ गया, 4400 थे फिर 46 हो गए, मतलब ₹200 एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ हिंट में भी दिया गया कि 1 साल का ब्याज अगर हम निकालें तो 4600 में से 4400, 4600 में से 4400 को माइनस कर देते हैं तो ₹200, मतलब 1 साल में ₹200 के ब्याज जो है वो लग रहा है। तो यहां पर हमें जो निकालना है वो है प्रिंसिपल और रेट, तो प्रिंसिपल हम सिंपल इसी का यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि शुरू वाला जो अमाउंट है वो कितने साल के बाद बना है, 2 साल के बाद। अब हम यहां लिखते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ 1 year वो कितना है, वो हमने निकाला 4600 माइनस 4400, तो ये आ गया 200। फिर हम लिखेंगे, क्योंकि 2 साल के बाद ये अमाउंट हमने दिया है, तो हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ 2 years, 2 साल का इंटरेस्ट। अब 1 साल का 200, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 गुना में 200, तो ये हो जाएगा 400, तो 2 साल में ₹400 का ब्याज लगा है। तो हमें स्टेटमेंट बनानी है कुछ इस तरह से, टाइम 2 years, सिंपल इंटरेस्ट 400 और अमाउंट 4400, ठीक है, ये अमाउंट है, ये यहां तक हम स्टेटमेंट बना रहे हैं कि 2 साल का समय था इतने पैसे बनने में और ये अमाउंट, और इसका हमने ब्याज भी निकाल दिया इतना है, तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, वो होता है फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो अमाउंट हमें पता है 4400 और प्रिंसिपल हमें निकालना है प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला 2 साल का ₹400। अब ये 400 जो है प्लस का, इस तरफ लेके आएंगे माइनस, तो 4400 माइनस 400 इज इक्वल टू पी, तो यह आ जाएगा 4000 इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल 4000। तो फर्स्ट हमें यही फाइंड आउट करना था कि प्रिंसिपल जो है वो कितना है, फिर हमें रेट फाइंड आउट करना है। अब रेट के लिए हम इन्हीं का यूज करेंगे और फॉर्मूला बदल देंगे हम, फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमने निकाला 4000 इंटू आर हमें निकालना है टी, टाइम जो है वो है 2 साल, क्योंकि 2 साल के बाद 400 ये बना है, और डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, अब इनको 40 और 2 को लेके आएंगे नीचे, तो यहां पे है 400, 40 भी नीचे आ जाएगा और 2 भी नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 10 जा
40 और 2 5 जा 10, तो रेट हमारी आ चुकी है 5%। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा 13, इसमें है फाइंड द अमाउंट डायरेक्टली यूजिंग द फॉर्मूला। अब अमाउंट हम पहले निकाल रहे थे इस फॉर्मूले से, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें गिवन है, ए अमाउंट इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल इंटू 1 + RT / 100। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इसका आप यूज कर सकते हैं या फिर इसको मैं थोड़ा आसान कर देता हूं, इसको आप इस तरह से भी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं, 100 + RT / 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आपने यूज करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में मैंने देखा है बहुत से बच्चे जो है इस तरह से लिख देते हैं 1 + RT पूरे के डिवाइड में 100 लिख देते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहां पर हमें एलसीएम लेना था, नीचे 1 लगा के एलसीएम लेते हैं 100, तो 100 को सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है। तो आपने क्वेश्चन में लिखना तो यही फॉर्मूला, लेकिन इसको मॉडिफाई करके आपने इस तरह से लिख लेना है। अब इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी 5000 प्रिंसिपल है, तो अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल की जगह पी की जगह रखेंगे 5000 इंटू 100 प्लस आर कितना है रेट 10 और टाइम 3, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो 10 की 3 से मल्टीप्लाई, 10 × 3 = 30 / 100। अब इसको कैंसिल नहीं कर देना है, 100 से 100 कैंसिल, जब तक ये प्लस नहीं होता तब तक कैंसिल नहीं हो सकता है ये, तो ये आ जाएगा 5000 इंटू 100 + 30 = 130 / 100। अब 20 से 20 कैंसिल कर दो, अब ऊपर है 50 और 13, तो 13 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65, 10 यहां से 10 यहां से, तो 20 आ गई, तो ये आ गया हमारा अमाउंट। इस तरह से आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं आपको, ये जो है वो सेम ऐसे ही आपने करना है, आगे पॉइंट वाला है, इनमें से एक करते हैं। इसमें प्रिंसिपल जो है वो है हमारा 3200 इंटू 100 प्लस रेट जो है वो कितनी है 7.5, तो इसको हम साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, 75/10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि R और T की मल्टीप्लाई यहां पे आनी चाहिए। अब इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 5 की टेबल में इसको कैंसिल कर दो, 5 5 5 5 5 जा 25, तो 15 आ जाएगा, तो यहां पर हम रखेंगे 15। तो हमने ये कैसे निकाला 15, इसकी मल्टीप्लाई कर ली रफ में, डिवाइड बाय 100, अब फिर से वही 3200 मल्टीप्लाई ये प्लस करेंगे तो 115/100, 20 से 20 कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3680 रुपीज। इस तरह से आपने इस अमाउंट को फाइंड आउट करना है। लास्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से करना है हमें, लास्ट में है प्रिंसिपल हमारा है वो है 720। अब यहां पे जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है वो है रेट 8.5%, हमें रेट और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 8.5 को हम लिख सकते हैं 85/10 और मल्टीप्लाई में 3 इयर्स है। अब पिछले समय तो हमें ये कैंसिल होकर मिल गया था सिंपल नंबर, लेकिन इसमें ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 85 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 255। अब इसमें एक के बाद हम लगा देंगे पॉइंट, तो 25.5, तो यहां पे हम लिखेंगे 100 + 25.5 / 100। इसका पॉइंट यहीं पे नहीं हटाना है, पहले प्लस होगा, ये प्लस करने के लिए इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट लगा के हम प्लस करेंगे तो 100.0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इधर 5 इधर 5 और 2, तो ये हो जाएगा 5.521। तो यहां पे हम लिखेंगे 720 × 125.5/100। अब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी, 720 × 125.5 था तो इसका पॉइंट हटा देंगे हम, नीचे 100 था ही, साथ में एक 10 भी आ जाएगा, इसकी हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आएगा 90360 इस तरह से। अब नीचे 2 जीरोस अवेलेबल हैं तो 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे 1 2, तो ये आ जाएगा 903.60 रुपीज। ठीक है, इस तरह से ये हमने कंप्लीट की है हमारी एक्सरसाइज 10A।